नमस्ते मैम। नमस्ते, आप कौन? आपके यहाँ जो काम करता है मैं उसका भाई हूँ। अच्छा मैम, वो क्या है ना कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब है तो वो कुछ दिन काम पे नहीं आ पाएगा। ठीक है फिर। लेकिन मैम मैं काम कर लूँगा। आपको काम करना आता है सारा? हाँ मैम, मुझे काम आता है। ठीक है फिर आ जाओ अंदर। मेम साहब, सारा काम हो गया है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, ठीक है? मेम साहब, एक बात कहनी थी। वो शाम को मैं आ नहीं पाऊँगा तो मैं अपनी बिटिया को भेजूँगा काम करने के लिए, ठीक है? अरे रुको, तुम ना अपनी बेटी को मत भेजना काम के लिए। वो क्या है ना, छोटे बच्चे काम करते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही अगर तुम आज शाम को नहीं आ सकते ना तो तुम कल सुबह आ जाना काम करने। अरे कोई बात नहीं मेम साहब, 5 ही दिन की तो बात है, मैं मैनेज कर लूँगा। अरे तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम आराम से जाओ और हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है? और एक काम करो, तुम भी छुट्टी ले लो और अपनी भाई का ध्यान रखो। अरे मेम साहब, अगर मेरा भाई काम पे नहीं आएगा तो उसका काम छूट जाएगा ना, आप दूसरा मेड रख लेंगे। अरे हम भला तुम्हारे भाई को काम से क्यों निकालेंगे? अब वो यहाँ इतने सालों से काम करता है, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई है तो कोई बात नहीं ना, उसे आराम करने दो, हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है? अब तुम बताओ, मैं भी तो कहीं जॉब करती हूँ, कल को मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं भी तो छुट्टी ले लेती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। तो अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई जब ठीक होगा ना वो तब यहाँ पे काम करने आ सकता है, हम किसी और को नहीं रखेंगे यहाँ पर, ठीक है? और जाओ तुम भी, अपने भाई का ध्यान रखो। अरे नहीं नहीं मैम, 5 ही दिन की तो बात है, मैं मैनेज कर लूँगा। अरे आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, आप अपने भाई का ध्यान रखिए ना, उनकी अभी तबीयत खराब है, उन्हें आपकी ज़रूरत है, तो आप उनका ध्यान रखिए, हम यहाँ पे कर लेंगे मैनेज। अच्छा ठीक है मैम साहब, धन्यवाद आपका। सुनो एक बात और, ऐसे ना अपनी बेटी को कहीं और काम के लिए मत भेजा करो, अभी उसकी उम्र पढ़ने लिखने की है तो उसे पढ़ने दो और उसे कहो कि वो पढ़े, ना कि इधर उधर जाके काम करे। अरे मैम साहब, वो पढ़ाई ही करती है। हाँ तो फिर ठीक है ना, मत करवाओ उससे काम, पढ़ाई में ध्यान देने दो उसे। अरे मैम साहब, वो भैया की तबीयत खराब है ना तो इसकी वजह से हम लोग उनमें व्यस्त रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको काम पे भेज दें, आपका काम न छूटे। तुम क्या चाहते हो, वो ऐसे पढ़ाई छोड़ के इधर उधर के बर्तन धोए? तो फिर तो ऐसे उसका फ्यूचर बेकार होगा ना, अगर वो इधर उधर जाके काम करेगी तो फिर अपनी बेटी को कहो कि वो जाकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ना कि इधर उधर काम करे। और अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बताना मुझे, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। ओके मैम साहब, मैं उनका अच्छे से इलाज करा करके फिर मैं आपके घर पर काम पर भेजूँगा। ठीक है मैम साहब। मेम साहब ने तो हमारी समस्या को सुनकर हमें अपने घर से छुट्टी दे दी, लेकिन कुछ और घर हैं जहाँ पे हमको काम करना ही पड़ेगा। काश हर कोई हमारी ये समस्या समझ पाता कि हम भी इंसान हैं, काम करते करते हमारी भी तबीयत खराब हो सकती है। खैर छोड़ो, हमें तो काम करना ही पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। ये लो दवा खा लो, ये पानी। सांप कुछ बोले तो नहीं थे ना भैया? नहीं नहीं किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक मालकिन थी, वो दिल की बहुत अच्छी थी, वो उन्होंने बोला कि जाओ और जाकर उन डॉक्टर को दिखाओ और उनको दवा दिलाओ, सब सही हो जाएगा और तब तक काम पे मत आना। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया,